नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में वापस लौट रही एसयूवी और एक ट्रक के बीच टक्कर में 14 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार को करीब 11:45 पर प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर देशराज इनारा गाँव के पास हुआ। इसमें एसयूवी में सवार सभी लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। महिंद्रा बोलेरो कार ने सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि पंचर होने की वजह से ट्रक सड़क के एक ओर खड़ा था, तभी एसयूवी ने पीछे से टक्कर मारी। पुलिस अधिकारियों ने ट्रक में फंसे कार के आधे हिस्से को बाद में बाहर निकाला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी पीड़ित एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गाँव गोंडा वापस जा रहे थे। पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि सड़क हादसे के तुरंत बाद 5 शवों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया, बाकी के शवों को ट्रक में फंसी कार को बाहर निकालने के बाद निकाला गया। दुर्घटना में मृत बच्चों की उम्र 7 से 15 वर्ष की है, जबकि अन्य 8 लोगों की उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने पीड़ितों के परिवार और उनके गाँव के प्रधान से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सभी शवों को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। एसयूवी और ट्रक दोनों के मालिकों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रतापगढ़ हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की भी घोषणा की गई है। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।